फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। तो मैं भी आई हूँ छत पर कपड़ा को लेने के लिए। साथ में ये सब को मैंने छत पर डाला था, तो फिर ये सब भी अभी लेकर जाऊँगी। और नीचे और भी काम है जो कि मुझे जाने के बाद करना है। और देखिए, कल मैं तैयार नहीं हो पाई थी ना, किचन का काम ख़त्म करने के बाद जो शाम तैयार होती हूँ, तो आज मैंने तैयार हो लिया है। क्योंकि धीरे धीरे समय बहुत जल्दी जल्दी पार हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज पहले तैयार फिर बाकी का काम करूँगी। तो इसी वजह से आज कंघी कर लूँ। और देखिए, आज मैंने लगाया है क्योंकि आज कल मुझे शैम्पू करना है, तो अभी अभी हेयर ऑयल भी लगा लिया है, ताकि रात को और मुझे उसका टेंशन ना रहे। तो इसी वजह से, और मैंने यहाँ से इनका स्वेटर वगैरह जितना साफ किया था सबको ले लिया। और ये है मेरा तकिया जो कि धूप में काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और अच्छे से और फूल गया है। और क्या बाकी बचा? इनका एक स्वेटर बचा है, यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ से। और नीचे जाने के बाद जैसे कि बताइए, कुछ कुछ काम है। धूप में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आजकल कि थोड़ा सा बैठ। तो चलिए, मैं थोड़ा यहाँ पर बैठ लूँगी धूप में। तो इसको लेकर आई ये सबको, और अभी मुझे क्या करना है, ये सबको फोल्ड करना है और फिर किचन में जाना है। किचन में भी एक्स्ट्रा काम बढ़ा कर रखी हूँ, उसको भी निपटाना है। और आज ना मैं खुशी लोग को फिर आने के लिए बोली हूँ, क्योंकि बहुत मज़ा लग रहा है ना। वो लोग आ रहे हैं तो शाम को बहुत अच्छा से हम लोग का टाइम स्पेंड हो रहा है, साथ में हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर मैं बोली हूँ आज वो लोग को फिर से आने के लिए, देखती हूँ अगर वो लोग अपना समय निकाल पाते हैं तो आएंगे। नए हैं चैनल में और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक चैनल को, तो फिर प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन में ऑल कर दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में अच्छा लग रहा है तो फिर ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए। तो फिर देखिए, छत पर बच्चे हैं कि क्या है पता नहीं, बहुत ज़्यादा शोर मशोर हो रहा है। तो फिर ये सबको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। सेट हो चुका है, अब चलते हैं किचन की ओर। बस मैं स्वेटर पहन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है, अभी 4:45 हुआ है, पर बाहर ठंडा ठंडा लग रहा है तो इसी वजह से पहन ले रही हूँ, क्योंकि अभी शाम भी होने जा रहा है और आधा घंटा 45 मिनट में हो जाएगा, पर अभी से पहन ले रही हूँ क्योंकि बाहर निकलेंगे तो ठंडा लगेगा। तो किचन जाएंगे, किचन का एक सामान मेरा यहाँ पर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा सामान। ये देखिए, ये है किचन का सामान, इसको ले चलते हैं। चलिए किचन, फिर किचन का काम करेंगे। सारा बर्तन को मैंने इस तरह से नीचे रख लिया था क्योंकि इसको मुझे धोना पड़ा, तो इसे मैं सेट करेंगे अभी एक एक करके। उसको मैंने सेट कर लिया है। साथ में ये बर्तन सबको ना जो ड्रेनर में डालना था मैंने यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि मैं आज करूँगी थोड़ा सा क्लीन करूँगी इसी वजह से, क्योंकि उसको साफ करने से पहले मैं थोड़ा सा ऐसे भींगा देती हूँ, ताकि ऊपर पर्सन जो सब है ना वहाँ पर भी अगर कुछ सूख गया होगा तो फिर क्लीन हो जाएगा। और मुँह वाला घाव जो बोल रही थी ना, वो अब भी ठीक नहीं हुआ है, तो फिर मुँह को दबाते हुए मुझे बात करना पड़ रहा है। और ये देखिए मेरी प्यारी प्यारी बच्चियाँ, जो है मैं बोली थी कि वो लोग आने वाले हैं तो आई हैं, पर गोलू नहीं आई आज। देखिए क्या लेकर आई है, मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी क्या इसमें। अरे मम्मी लोग का फास्टिंग है ना, तो फिर आज क्यों बनाए कुछ भी? हम बोले तो फिर बोले कैसे खोल रही, इसको हमसे नहीं हो रहा है ना। अरे वाह, मीठा वाला है ना। हाँ। ये देखिए स्पेशल आया है आज हम लोग के लिए, तो फिर इसको साथ में खाएंगे। आज गोलू नहीं आ पाई है क्योंकि उसका कॉलेज का कुछ काम चल रहा है, तो इसी वजह से वो ऑनलाइन काम कर रही थी तो नहीं आ पाई। और ये दोनों भी आज ज़्यादा वक्त नहीं रुक पाएंगे क्योंकि बैडमिंटन खेलना है। दोनों तीनों ही बात कर लिए हैं, यानी मेरी बेटी के साथ, कि वो लोग जाकर वहाँ पर बैडमिंटन खेलेंगे, इसलिए 5-10 मिनट बाद वो लोग निकल जाएंगे।
डुम्बू पीठा, ये डुम्बू हम लोग पीठा है, हम इसको लोग इसको मंडा मंडा पीठा पीठा कहते बोलते हैं। हैं। खाओ खाओ, आप लोग भी लो ना बेटा। खोल खोल खोल। अरे घर में है ना उसको। अरे उसको ये आप लोग के लिए है। पीयूष लो, हम खाना खाते हैं। खाना अभी खाए हो शाम को? करो ना डुम्बू टेस्ट करो। डुम्बू मंडा पीठा टेस्ट करो। तो आप लोग आज बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग किए हैं हम सुने। अच्छा देखें, दिख रहा है कि हाँ वाह बहुत सुंदर है, असली में दिखाएंगे ड्राइंग कॉपी लाके। हाँ बहुत अच्छा बनाया। और वो वाला उस टाइम जो बनाए थे चांद वाला वो कॉपी लाइएगा। हाँ इधर तरफ होगा, तेरा मिला क्या? हाँ। अच्छा ये देख देख के तो फिर उसी को ही बनाई थी ना। हाँ, हाँ। ये कौन बना दिए थे इसके लिए? मैडम। हाँ बहुत सुंदर। हम बोले बोले मामा हम बनाए, हम बोले हो ही। चलो पीयूष हेलो बोलो, हेलो बोलो पीयूष, हेलो बोलो। कहाँ पर? और तुम रुको रुको, चलो हम कर देंगे, चलो तो आराम से बैडमिंटन खेल कर आना। बाय बाय, फिर इंतजार में रहेंगे। बाय बाय, गोलू को लेकर आना है, ठीक है? और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो आप लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए मैं यहाँ सुबह सुबह बना रही हूँ पराठा, आलू पराठा। सुबह यानी ये 11 पार कर चुका है और मंडे का दिन है, तो फिर इसी वजह से फास्टिंग रहता है। बेटी के लिए बना रही हूँ, और कल मैं वो लोग निकलने के बाद कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे मुँह का जो घाव है ना उसके ऊपर फिर मेरा दाँत गड़ गया और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, तो इसी वजह से मैं और वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आज सुबह मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर कर लेते हैं, तो आप लोग को वॉइस में भी थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं बेटी के लिए और उसकी एक दोस्त आई है, यहाँ दोस्त बोलने का मतलब यहाँ पड़ोस में ही रहती है वो बच्ची, कभी कभार बेटी के साथ खेल लेती है, तो फिर वो आई है तो मैं बोली चलो दोनों को ही आज खिला देती हूँ, तो इसी वजह से। और अभी अभी मेरा पूजा पाठ सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और मैं बेटी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा भी बना दे रही हूँ, 3 पराठा बन जा रहा है। तो ये तो हो जाता अभी बेटी खा लेती, तो मैं सोच रही थी दोपहर को और नहीं बनाऊँगी, तो देखिए वो बच्ची को एक दे दूंगी, बेटी को एक दे दूंगी, और एक जो पराठा है उसके लिए शाम का हो जाएगा, मैं रख दूंगी। अभी सर्दी का दिन है और कुछ होगा भी नहीं खराब, तो इसी वजह से। और शाम को फिर कुछ ना कुछ तो मतलब शाम को नाश्ता करती ना, तो इसी वजह से यही हो जाएगा उसका शाम का नाश्ता, थोड़ा सा गर्म कर देना चाहिए। तो मैं उसके लिए आलू पराठा बना रही हूँ, और आज ना मैं मसाला को बिल्कुल भी फ्राई नहीं की थी, तो फिर वो आई देखने और बोलती है मामा आप मसाला को बिना फ्राई किए कर रहे हो, मैं अकेली खाऊंगी बोल रही हूँ बोलकर। तो फिर मैं उसको बोली नहीं, और खाने के बाद ना वो बहुत ही खुश हुई, मामा बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं कभी तो ऐसे कच्चा प्याज वगैरह डालकर नहीं करती थी, हमेशा मसाला को भून कर करती थी, तो फिर आज पहली बार ऐसे बनाई थी, वो भी बहुत अच्छा लगा। बस उसमें थोड़ा सा मैं मैगी मसाला डाल दी थी, और बच्चों को वैसे कुछ भी दे दो ना बहुत ही पसंद आता है। और मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं बहुत पहले ही ड्यूटी, और फिर बेटी जो है वो सिर्फ 2 बिस्किट ही खाई थी आज, तो मिल्क भी नहीं पी, तो फिर मैं सोची कि पहले उसको दे देती हूँ, फिर मैं अपने लिए चाय वगैरह बनाऊँगी। आज सोच रही हूँ चाय थोड़ा थोड़ा पीऊँगी, क्योंकि हम लोग के यहाँ आज बादल बादल किया है सुबह से, और फिर मुझे लग रहा था कि आज धूप ही नहीं निकलेगा, पर कुछ टाइम बाद पूरा धूप आ गया है, पर बहुत कड़क सा धूप भी है। तो अभी अभी कुछ टाइम पहले मतलब 15-20 मिनट पहले ही मेरा सब कुछ काम खत्म हुआ, जैसे पूजा पाठ रहता ना वो सारा काम, तो इसी वजह से मैं हेयर को भी नहीं सुखाई हूँ, तो सोच रही हूँ पहले अपने लिए चाय वगैरह बना लूँगी, उसको दे देने के बाद फिर धूप में बैठकर आराम से हमेशा की तरह चाय पीऊँगी। जब तक ऐसे सर्दी रहता है ना मैं थोड़ा सा धूप में ही बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि सबको ही को बहुत अच्छा लगता होगा धूप में बैठना। पर धूप का तेज भी आज बहुत ज़्यादा है, और आज मैं कपड़ा भी बहुत ज़्यादा धो दी हूँ, इनका स्वेटर वगैरह। पहले लग रहा था कि धूप नहीं आएगा, सूखेगा कि नहीं सूखेगा, क्योंकि पहले से मेरे दिमाग में था धोना है, तो फिर इसी वजह से धो दी हूँ। देखती हूँ दिन भर में सूखेगा कि फिर छाँव हो जाएगा, पता नहीं क्या होता है। चलिए मैं ये सब पराठा को तैयार कर लेती हूँ, बेटी को दे दूँगी, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। कुर्सी में चले जाओ दोनों, बैठ कर खाओ। आना इधर है।
खाने ला दे रहे हैं। हाँ, वो लोग सैंडविच खा रहे हैं, मैं उनका पराठा। हाँ, अभी साइकिल एक राउंड लगा कराओ। सुष्मिता, गेट को ये कर लो। हाय, गुड मॉर्निंग। तो अभी वो साइकिल लेकर निकल गई और मैं उसको पराठा दी, वो पराठा भी खा चुकी है। फिर मैं अपने लिए चाय लेकर आई थी, यहाँ पर धूप में बैठे बैठे चाय पी ली। और यहाँ इतना ज़्यादा धूप लगा ना, धूप बहुत ज़्यादा तेज है, क्योंकि सुबह हम लोग के यहाँ बादल बादल पूरी तरह से किया था। तो फिर पता नहीं फिर कैसे धूप बहुत तेज का लगा, तो फिर मैंने चेयर को जो है छांव की ओर ले लिया है। फिर से छांव में बैठी तो फिर ठंडा लग रहा है, धूप में बैठो तो फिर गर्मी लग रहा है। और हेयर जो है सूखेगा नहीं अगर छांव में बैठूंगी, तो फिर इस वजह से फिर से मैं धूप की ओर ले जा रही हूँ चेयर को। बस इस टाइम उल्टा बैठी कि धूप जिधर से आ रहा था ना, मुँह उधर नहीं की, उधर से डायरेक्ट मुंह में लग रहा था, तो फिर इधर से ही कर रही हूँ। और सूख जाए हेयर थोड़ा सा, फिर कॉम भी करना है। तो चलिए, मैं एक ही बिस्किट बचा है इसको खा लेती हूँ। फिर अभी 2-4 ही बर्तन हुआ था, बस मैं इसको धो ली, क्योंकि फिर अभी मुझे लंच बनाना है बेटी के लिए। मैं सोच रही हूँ आज उसके लिए मैं खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि ठंड भी है और साथ में बादल बादल भी किया है, और वो अभी एक पराठा खाई है। तो मतलब अभी लगभग आपका 12 बजने जा रहा है, वो 11:10-11:15 में खाई थी। तो फिर अभी उसको इतना जल्दी भूख भी नहीं लगेगा, सोच रही हूँ खिचड़ी बनाकर रख दूंगी। आप लोगों को बता रही थी ना कि हम लोग का ये वाला लाइट जो है इधर वाला, ये पागल हो गया है, क्योंकि आज देखिए सुबह से, कल इनको मैं बताई कि ये वाला लाइट को कल बुला दीजिएगा इलेक्ट्रिशियन, तो फिर ये क्या बोल रहे थे या सुबह ही बुला देंगे। तो आज सुबह जैसे ही आके मैं ऑन की स्विच को, तो सुबह से ही जल रहा है, और अभी भी मैंने ये वाला लाइट को ऑन किया है, क्योंकि मैं बाहर का खिड़की को बंद करने वाली हूँ, बाहर से हवा आ रहा है। और ये वाला सुबह से ही जल रहा है, मैं आज इलेक्ट्रिशियन को बुलाने वाली थी, और आज से मतलब एक बार भी वो बंद ही नहीं हुआ है, सुबह से जल रहा है। तो फिर देखती हूँ इसको ऑफ ही नहीं करूँगी, क्योंकि वो रात को तो ऑफ कर देती हूँ ना, फिर वो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, तो फिर नहीं जलता है। आज जैसे ही कल हम लोग डिसाइड किए कि आज बुलाएंगे, तो फिर आज वो जल रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है ये वाला लाइट। तो चलिए, मैं बेटी के लिए बनाऊंगी लंच, और फिर क्या काम है मुझे, ये आएंगे फिर हम लोग तो पियेंगे शरबत। अभी और मेरा कुछ काम है नहीं है, वही सब धूप में बैठे बैठे सब्जी वगैरह काटूंगी। तो आज का ब्लॉग 2 दिन का मिलके हो गया ना, तो फिर इसको और लंबा नहीं करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। तो आज के लिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।